दसवें के बोर्ड तो खत्म हो गई है, अब आगे क्या पढ़ूं? हर्ष सर को फोन करता हूँ, वो बताएंगे आगे की मैथ्स की बुक। हेलो हेलो, हाँ हर्ष सर, मैं आयुष अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। हाँ बेटा आयुष, हाँ बोलो। सर पूछना था वो टेंथ में कौन सी बुक अच्छी होती है मैथ्स के लिए, मैथ्स शुरू करना चाहता हूँ। बच्चे मैथ्स के लिए आई वुड रेकमेंड कि आरएस अग्रवाल, तीन बुक हैं आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा, तीनों में से कोई भी ले सकते हो। सर बेस्ट बुक कौन सी होगी इन तीनों में से? ऐसे सारे ठीक ही ठाक है, मतलब सारे बेस्ट हैं, आरएस अग्रवाल ले लो। चलो भाई ओके सर, ओके मैं अभी खरीद लेता हूँ सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई लव योर टीचिंग सर, थैंक यू सर। ओके ओके चलो ओके बाय। सर ने आरएस अग्रवाल बोला है, मैं भी जाता हूँ आरएस अग्रवाल लाने। आयुष कहाँ जा रहे हो? बाहर लॉकडाउन है, अपन दरवाजे बाहर निकले, टांगे तोड़ दूंगी। है भगवान, अब मेरा क्या होगा? अगर इस बार भी नंबर अच्छे नहीं आए तो पापा फिर बहुत पिटाई करेंगे, और स्कूल में भी सारे दोस्त फिर से मजाक उड़ाएंगे, और वो नकचड़ी आकांक्षा वो तो और भी मजाक उड़ाएगी मेरा, और मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। अब मैं क्या करूं? भगवान बस जल्दी से कुछ करा दे, अच्छी बुक्स दिलवा दे, ताकि इस बार मैं कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। हे माँ, हे माँ, माता जी। बात आयुष की हो या आयुषी की, कहीं ना कहीं हम सब शायद थोड़े ना थोड़े परेशान हैं। कुछ बच्चों को ये टेंशन है कि अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, कुछ को ये टेंशन है कि अगर अच्छा नहीं आया तो हमारे दोस्त क्या बोलेंगे, कुछ को ये टेंशन है कि कोचिंग में कैसा नाम होगा, कुछ को ये टेंशन है समाज क्या बोलेगा। और जो बचे हुए हैं वो शायद इस टेंशन में है कि उन्होंने खुद से एक चैलेंज लगा रखा है खुद के लिए कि उन्हें अच्छे नंबर चाहिए, उन्होंने खुद को चैलेंज कर रखा और खुद की एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज्यादा है, पर ये सारी चीजें मिला जुला के इतना डर बना दी है कि सबको एक बहुत टेंशन है, और उन सारी चीजों के ऊपर ये लॉकडाउन, ये लॉकडाउन ने तो सोने पे सुहागा कर दिया है। चलो तो बच्चों मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में अगर तुम्हें कोई बुक्स नहीं मिले, कोई भी बुक अवेलेबल नहीं हो, आसपास की दुकानें नहीं खुली हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोंट थिंक कि तुम टाइम लूज कर रहे हो और तुम्हारे दोस्त के पास एक बुक है और वो सॉल्व कर रहा है। सबसे पहला काम तुम कर सकते हो एनसीईआरटी डाउनलोड करने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट होता है, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन ऑन द गूगल एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड। ओके, एनसीईआरटी बुक पीडीएफ डाउनलोड या एनसीईआरटी बुक डाउनलोड एक बार लिख दो गूगल पे। गूगल पे लिखने के बाद यू विल फाइंड द फर्स्ट वेबसाइट ऑफ एनसीईआरटी, जैसा यहाँ दिख रहा है स्क्रीन। इस वेबसाइट पे क्लिक करते ही यू विल बी गोइंग टू अ वेब पेज जहां पे आपको बोला जाएगा सेलेक्ट द क्लास, यू हैव टू सेलेक्ट योर क्लास, क्लास 10th 9th जिसकी भी आप बुक चाहते हो। देयर आफ्टर यू हैव टू सेलेक्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर लो एंड देन यू विल राइट गो। तो आपके पास सारे चैप्टर्स और वो सारे बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। इनफैक्ट नीचे में एक ऑप्शन भी रहता है डाउनलोड ज़िप, तो आप पूरी की पूरी बुक एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। By this method, you will be able to get NCERT book in a very good quality and that too free of cost. तो ये सबसे अच्छी चीज है आपके लिए स्टार्ट करने के लिए। अगर कोई भी बुक नहीं मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं, NCERT से तुम शुरू कर ही सकते हो। चलो अब सेकेंड बात करते हैं। हालांकि मैं बहुत सारे बच्चों को रिकमेंड करता हूँ आरएस अग्रवाल, तो अगर अभी आपके पास आरएस अग्रवाल नहीं अवेलेबल हो तो दो काम कर सकते हो। पहला तो या तो NCERT जो मैंने बताया, दूसरा काम ये कर सकते हो, से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आरएस अग्रवाल तुम्हारे फ्रेंड के पास है या किसी तुम्हारे भैया दीदी के पास, सीनियर के पास, तो यू कैन आस्क देम फॉर अ फेवर कि आप भैया या दीदी जो भी हैं कि आप एक चैप्टर के फोटोज क्लिक करके मेरे को भेज दो। एक चैप्टर का फोटो क्लिक करने में बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू ऑल्सो। और वो फोटो हो सकता है आप अपने ग्रुप 5-10 लोगों का, बच्चों का ग्रुप हो, आपके फ्रेंड सर्कल, उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगली बार बोलो किसी दूसरे फ्रेंड को किसी और भैया दीदी से कॉन्टैक्ट करने के लिए और वो सेकेंड चैप्टर मंगा ले। ऐसे करके आपके ग्रुप में पढ़ाई भी हो जाएगी और दूसरा आपको बुक्स भी मिल जाएंगे। And as soon as the lockdown gets relaxed, thereafter you can get the books. Okay? चलो, तो अब बात करते हैं बुक्स की। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, एक बात समझो कि ये लॉकडाउन तो है,
और बहुत से लोग इस बात के टेंशन में भी होंगे कि वो इस टाइम को बहुत प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन चाहे जितने भी दिन का हो, हम लोग हो सकता है थोड़ा लेट शुरू करें, शायद तुम्हारे स्कूल्स भी थोड़ा लेट हो, बट ये बात बिल्कुल मत सोचना कि इससे तुम्हारा 10th बोर्ड बिगड़ जाएगा। इस बात की गारंटी मैं और पूरा वेदांत तो तुम्हारे लिए लेता है कि तुम्हारा बोर्ड हम बिगड़ने नहीं देंगे चाहे जो हो जाए। और एक बात की गारंटी और मैं लेता हूं पर्सनल बेसिस पे कि 200% श्योर रहो दैट यू विल लव मैथमेटिक्स। तुम एक बार मैथ्स पढ़ोगे ना, और मैं जब तुमको पढ़ाऊंगा तो लिटरली आई एम सेइंग दैट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट लविंग मैथमेटिक्स। तो इसलिए ये बात तो सोचना ही नहीं कि तुम पीछे होगे, क्योंकि जिस दिन तुमने इस मैथ्स को प्यार करना शुरू कर दिया उस दिन तुम इस रफ्तार से भागोगे कि पूरी दुनिया देखेगी तुम्हें कि भाई साहब ये बंदे को हो क्या गया, ये बदल कैसे गया। सो बी वेरी श्योर एंड बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग टू रॉक एंड रोल। सो डोंट गेट वरीड, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, कीप ऑन मूविंग स्लोली बट स्टेडीली, कीप ऑन मूविंग एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन एंड श्योरली यू विल विन। आई विल नॉट लेट यू फेल, दैट इज माय प्रॉमिस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का इस वीडियो in which I will be telling you that which all books are very important for your board examinations, for your whole 10th preparation, and apart from that, कौन से बुक की क्या खासियत है और किस बुक को लेने से क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। So let's start. We have three books, I guess you all might be knowing. First is NCERT, second is RS Agarwal, and third is RD Sharma. तो सारी बातें इन्हीं तीन बुक्स के बीच में घूमती रहती हैं। अब इन तीन बुक्स के प्रोज एंड कॉन्स को मैं बता देता हूँ। So the first book which I would recommend to all of you is R.S. Agarwal. Undoubtedly, it is a very good book. Iski pros and cons kya hai? So the pros, which are the good things for this book is, ki is book mein questions limited amount mein hai, bahut zyada unnecessary ki questions nahi hai. Jitne sare questions hai, most of them are important and most of the questions are repeated questions. To R.S. Agarwal solve karne se ye ek achhi cheez ho jati hai that you have a very good hands-on experience for your board examinations. Part 1. Second part, कि आरएस अग्रवाल में यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स आल्सो। सो व्हाट हैपेंस दैट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट इन द स्टार्टिंग दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली। तो जब वो बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता है तो उस वक्त आप इस एग्जांपल्स को देख सकते हो, और ये एग्जांपल अपने आप में काफी इलैबोरेटिव, काफी डिस्क्रिप्टिव है, तो यू विल बी एबल टू गेट इट इन अ मच मोर बेटर मैनर। चलो तो ये हो गई बात आरएस अग्रवाल की, एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड आरएस अग्रवाल टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टार्ट भी करना चाहते हो तो आरएस अग्रवाल इज अ गुड चॉइस, और जो स्टार्ट से थोड़ा ऊपर है उनके लिए भी अच्छा है, एवरेज अबव एवरेज स्टूडेंट्स, फाइन। सेकंड इज एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी किन बच्चों के लिए अच्छी होगी? तो देखो, एनसीईआरटी उन बच्चों के लिए अच्छी होगी जो मैथ्स में काफी लेजी है। दे आर लाइक कि सर मैथ्स बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, means it's like 0% or 5% बस maths में interest है। ऐसे बच्चों के लिए NCERT अच्छी होगी। क्यों? दो कारण है। पहला कारण कि number of questions in NCERT is very less compared to RS Agarwal part 1, and part 2 कि NCERT के questions का level RS Agarwal से काफी नीचे है। अब ये तो इसके pros हो गए। cons, obviously जब number of questions कम होंगे और level भी थोड़ा कम होगा तो इसका con obvious है कि बोर्ड में सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से नहीं आएंगे। इनफैक्ट अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करके जा रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट अ 70% मार्क्स और 70% कवरेज ऑफ द सिलेबस, बट रिमेनिंग 30% आपका रह जाएगा, और वो 30% कवर करने के लिए ईदर यू विल हैव टू सप्लीमेंट योर स्टडीज विद स्कूल नोट्स, ट्यूशन नोट्स, या आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा, कोई भी आप चुन सकते हो। तो दैट इज अ कॉन ऑफ एनसीईआरटी। थर्ड थिंग, इफ आई टॉक अबाउट आरडी शर्मा, आरडी शर्मा इज अ वेरी बिग बस, क्योंकि आरडी शर्मा के बारे में तो हमेशा बातें होती हैं, सो दिस इज द बेस्ट बुक। बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स आरडी शर्मा को रिकमेंड करते हैं, और बहुत सारे बच्चों को रेगुलर स्कूल में आरडी शर्मा ही कराई जाती है। आरडी शर्मा इज अनडाउटेडली अ वेरी गुड बुक। क्वेश्चन के लेवल्स काफी अच्छे हैं, क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद मैं आरडी शर्मा बहुत सारे बच्चों को, या इनफैक्ट मेजोरिटी को रिकमेंड नहीं करता। कारण बता देता हूँ। उसके पहले जान लेते हैं प्रोज क्या क्या है, या किन बच्चों को आरडी शर्मा यूज करनी चाहिए। आरडी शर्मा उन बच्चों को यूज करनी चाहिए जो बच्चे अपने 10th में, जो बच्चे 10th की सारी पढ़ाई वो ऑलरेडी 9th में कर चुके हो, मतलब जो काफी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो पार्ट 1, या फिर पार्ट 2 वो बच्चे
जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट नहीं है लेकिन उनको मैथ्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है दैट अगर उनका बस चले तो वो दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे मैथ्स प्रैक्टिस करें। ऐसे बच्चे जो मैथ्स के लिए मतलब एकदम पागल हुए कि नहीं यार सर मेरे को तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ना है, those who are damn passionate about maths. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि आरडी शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है मैथ्स, एंड दैट इज व्हाई आई नेवर रेकमेंड आरडी शर्मा टू माय स्टूडेंट्स। ये पार्ट वन है। और पार्ट टू ये है कि आरडी शर्मा में अनडाउटेडली बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं लेकिन उतने ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बोर्ड्स में नहीं पूछे जाते। अगर आप आरडी शर्मा उठा के देखोगे और उससे कुछ बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखोगे और उनको कंपेयर करोगे प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस से तो यू विल फाइंड इट आउट कि वो क्वेश्चंस कभी पूछे ही नहीं गए। सो दैट गिव्स अस अ कंक्लूजन कि पहला कि आरडी शर्मा में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि जरूरत नहीं है इतने प्रैक्टिस की, और दूसरा कुछ ऐसे लेवल के क्वेश्चंस हैं जिस लेवल तक कभी बोर्ड पहुंचे गए। तो इन्हीं दो कारणों से मैं बच्चों को स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं करता। हाँ, as we will move on in the sessions, YouTube session या regular session में हम जैसे जैसे आगे मूव करते हैं तो हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद लास्ट में मैं करता क्या हूँ कि बच्चों को कुछ सेलेक्टेड आरडी शर्मा के क्वेश्चन क्लास में करा देता हूँ, जिससे होता क्या है कि यू गेट द टेस्ट ऑफ आरडी शर्मा ऑल्सो, उसके टफ क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं आप वो भी कर लेते हो और आपको अननेसेसरली उतने मोटे बुक में घुसने की जरूरत भी नहीं पड़ती, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। सो अकॉर्डिंग टू मी द फाइनल स्ट्रैटेजी विच आई वुड रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू इज कि फर्स्ट स्टार्ट विद आरएस अग्रवाल, खुद से घर पे पढ़ाई करो। और आरएस अग्रवाल में मैंने बताई दिया ऑलरेडी कि अगर बुक्स नहीं है तो उसको स्कैन कर लो या पीडीएफ फॉर्मेट में एक किसी दोस्त के पास हो या किसी सीनियर के पास हो तो उनसे फोटो लेके स्कैन करके एक कोई बच्चा कर ले और अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में उसको सर्कुलेट कर ले। अब आरएस अग्रवाल से शुरू करने के बाद फर्स्ट ट्राई सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स सॉल्व हो जाए तो फिर एक्सरसाइज में जाओ। जिन बच्चों को इंटरेस्ट बिल्कुल ही नहीं आ रहा है दे शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी फर्स्ट। आरडी शर्मा एज ऑफ नाउ कोई बच्चे ना शुरू करें, जो बच्चे शुरू कर रहे हैं वही बच्चे शुरू करें जो 10th में अच्छा खासा होल्ड बना चुके हैं, 9th में उन्होंने काफी कुछ कवर कर लिया। अब तो ये तो बात हो गई बोर्ड्स की। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि सर एनटीएससी के लिए कौन सी बुक लें, या फिर हम चाहते हैं कि हम अभी से एनटीएससी प्रिपेयर करना शुरू कर दें बिकॉज वी आर मोस्टली डन विद आवर बोर्ड्स या फिर हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर लेंगे। फाइन, वेल एनफ। तो एनटीएससी के लिए सबसे इजी स्टेप क्या होगा? कुछ बुक्स हैं बट अगेन लॉकडाउन के कारण से आप लोग बुक्स शायद खरीद ना पाओ, तो एक बुक तो बहुत अच्छी मैं बता दूं, टीएमएच की एक बुक आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके और एनटीएससी मॉक पेपर करके, तो एनटीएससी का क्वेश्चन बैंक आता है बेसिकली, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा टीएमएच का। अरिहंत ऑल्सो हैज अ बुक ऑन एनटीएससी, तो वो ऑल ऑफ देम आर इक्वली गुड। सेकेंड, इससे ज्यादा आसान और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है, गो टू गूगल बाबा and ask Google Baba NTSC previous year question papers. So you will be able to get all the NTSC previous year question papers on Google along with their solution also. So what you can do that you can download the NTSC previous year question paper of last 10 years and you can start solving them. It will give you the level of an idea of the level of the examination also. Apart from that, isse aapka kafi practice bhi ho jayega. तो ये हो गई बात। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एनटीएससी के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए बुक चाहते हो तो आई वुड नॉट रेकमेंड एनी बुक बिकॉज एनटीएससी में सिलेबस इज एग्जैक्टली द सेम ऑफ सीबीएसई क्लास 10। तो आप सीबीएसई क्लास 10 की बुक अगर आपको आती है या अगर आपने उतना पढ़ लिया है तो बड़े आराम से पूरा एनटीएससी निकल जाएगा और टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो बात हो गई एनटीएससी की। और अगर जैसे ही लॉकडाउन खुलता है या अगर आपके पास कोई पीडीएफ ऐसा अवेलेबल हो जिसमें ये टीएमएच के या क्वेश्चन बैंक्स मिल जाए एनटीएससी के लिए तो बल्ले बल्ले। नाउ इसके बाद जो सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है मेरे पास वो आता है प्री आरएमओ को लेके, कि सर प्री आरएमओ आरएमओ हम देना चाहते हैं, हम ओलंपियाड्स में इंटरेस्टेड हैं, व्हाट वी शुड डू। देखो ओलंपियाड्स के लिए बहुत सारी बुक होती है लेकिन अभी मैं इस वीडियो में ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा बिकॉज अननेसेसरली काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो हर एक डिफरेंट प्री आरएमओ में होता क्या है बेसिकली कि हर एक डिफरेंट सब टॉपिक के लिए डिफरेंट बुक्स होते हैं, जैसे नंबर थ्योरी है तो नंबर थ्योरी के लिए डेविड बर्टन की बुक आती है, ज्योमेट्री है, फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, एल्जेब्रा है, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक होती है। तो एज ऑफ नाउ अगर तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो एंड इफ यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग एल्स टू डू बट यू वांट टू डू ओनली प्री आरएमओ एंड आरएमओ, तो यू कैन स्टार्ट विद अ बुक व्हिच इज कॉल्ड एज इवान चैन, इवान चैन, ईवीए सीएचए, इवान चैन की एक बुक आती है
which you can find very easily on Google also. If you write Event Chance PDF download, you will get a free version. तो आप Event Chance की बुक को डाउनलोड करके उसमें से ओलंपियाड के क्वेश्चन शुरू कर सकते हो. कुछ एग्जाम्पल्स भी हो वो भी शुरू कर सकते हो. अगर एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो अगर आप वो क्वेश्चन को गूगल पे लिखोगे तो यू विल गेट इट द आंसर ऑल्सो. ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, when we will start or when I'll start the courses for pre-RMO, RMO, I'll inform you accordingly. ठीक है, तो I hope that was all for this video. I hope you liked it. In fact, मेरा suggestion रहेगा सारे बच्चों को, अभी बहुत ज़्यादा परेशान और tension लेने वाली बात नहीं है. If you don't get any option, RS Agarwal नहीं मिल पाता है, तो start with NCERT. जैसा मैंने तरीका बताया starting में, NCERT की book को download कर लो from the free website of Government of India. तो आप NCERT की book डाउनलोड कर सकते हो और वहां से NCERT सॉल्व करना शुरू कर. बेस्ट तो वही होगा, नाना मामा से गाना वहां बेहतर. और दूसरा, जैसे जैसे चीजें रिलैक्स होती है, यू विल गेट द बुक्स आल्सो एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस. ओके, सो दैट वाज ऑल. इफ यू नीड एनीथिंग एल्स डू लेट मी नो, काइंडली पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल गेट बैक टू यू. ओके, और किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा हो, कुछ और के वीडियोस का डिमांड हो तुम्हारा, तो जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ओके, and happy seeing you all. I really loved it and enjoyed coming in front of all of you after such a long time. I really liked it. So see you guys in the session. Till then, bye bye, take care, bye bye, love you all. कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. अर्जुन की तीर सा बन, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा. मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फिर फल निकलेगा. ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा. सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा. कोशिश जारी रख, कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो आज है कुछ थमा थमा सा मेरे दोस्त, कल वो भी चल निकलेगा, कल वो भी चल निकलेगा. मेरे बच्चों, मेरे दोस्त, हमेशा याद रखना, आज जो मुश्किल हालात हैं वो हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे. एक वक्त आएगा वो भी बदल जाएगा, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी क्या है, आपका प्रयास करना. बहुत जरूरी क्या है, कोशिश करना उस हालात को बदलने की. तो आगे बढ़ो मेरे वीर और हालात को बदलो.